अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहु। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समाजी और मजहबी इस्लाहात की तहरीकें, गुजराती में कहेंगे धार्मिक अने सामाजिक सुधारणानो आंदोलन। लास्ट सेशन तक के हमने इसमें समझा राजा राम मोहन रॉय, किस तरह से उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ज्योतिबा फुले ने किस तरह से सत्यशोधक समाज की स्थापना करके बुनियाद डाल के अपने जो ख्यालात है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आइए इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और नारायण गुरु, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन और उनके जो दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद, जो इनके शागिर्द थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के। रामकृष्ण परमहंस बंगाल के निहायत ही गरीब, गैर तालीम याफ्ता और सीधे साधे संत थे। बचपन से उन्हें ईश्वर से बेइंतहा अकीदा था। कई बार वो ईश्वर भक्ति में खो जाते। उनके वालिद के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। बाद में कलकत्ता में गंगा के मशरक़ी किनारे दक्षिणेश्वर में काली माता का एक मंदिर बनाया। तब से ही वो काली माता के इबादत गुजार और भक्त बन गए। मजहब शोबे में रूहानियत का फैलाव सबसे पहला काम उनका वही था। दूसरा अहम काम मजहब सभी मजाहिब में रहे ईश्वरी एतमाद को बीदार करना था। सभी मजाहिब यकसा है, कृष्ण, राम, ईसा, अल्लाह वगैरह एक ही ईश्वर के मुख्तलिफ नाम है। ऐसा वो लोगों में पूरा एतमादी से समझाते थे। और उनका जो तीसरा काम इंसानी खिदमत से जुड़ा था। इंसानी खिदमत के ज़रिए वो किसी भी शख्स ईश्वर को हासिल कर सकता है। उनके अकीदे के मुताबिक खिदमत करने वाले शख्स का मुकाम ज़्यादा अहम है, क्योंकि इंसानी खिदमत में ईश्वर के दीदार होते हैं। उनका मानना था कि अगर हमें भगवान को देखना है, भगवान को समझना है, तो हमें इंसानों की खिदमत करनी होगी, उसी से हमें भगवान ईश्वर मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। रामकृष्ण परमहंस की सादा और मजबूत शख्सियत की वजह से बंगाल के बहुत से नौजवान उनकी तरफ मुतवज्जा हुए, उनसे इंस्पायर हुए। उनकी पर्सनालिटी को देखकर, उनके ख्यालात को देखकर बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए थे। उनमें सबसे जहीन थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नौजवान ग्रेजुएट नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। याद रखना है कि उनका पहले नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। विवेकानंद की पैदाइश 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त के यहाँ भुवनेश्वर देवी के पेट से हुई थी। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ स्टुअर्ट मील, हॉर्बर्ट स्पेंसर, शेली और विडोट के तख्लीकात का भी इल्म हासिल किया था। उनके वक्त के मजहबी और दानिशमंद लीडरों के साथ भी मुलाकात की। 1880 में रामकृष्ण के साथ पहली बार उनकी मुलाकात हुई और जल्द ही वो रामकृष्ण के पैरोकार बन गए। रामकृष्ण एक ऐसे शख्स थे कि उन्होंने विवेकानंद के इस सवाल का जवाब दिया। मतलब रामकृष्ण मिशन वो थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद की जो क्यूरोसिटी थी, जो एक सवाल था, उस सवाल का उन्होंने उन्हें सही वे में जवाब दिया। सवाल क्या था? तो सवाल था कि क्या आपने खुदा को देखा है? रामकृष्ण ने जवाब हाँ में दिया था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1819 में किसी का भी साथ लिए बगैर और बगैर कहे भारत का सफ़र किया था। इस सफ़र में उन्होंने भारत की गरीबी, फाकाकशी, खस्ताहाली का तजुर्बा महसूस किया। 2 साल तक वो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते रहे। इस वजह से वो भारत के मसाइल से, उसकी मुश्किलों से वाकिफ हुए। उसके बाद शिकागो में हुई कुल मजहबी मजालिस में उन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पर आम मजहबी मजालिस के नुमाइंदों को भाइयों और बहनों के लफ्ज़ों से खिताब करके सबको मुतासिर किया। और उसके बाद ही तमाम दुनिया का ध्यान उनकी तरफ और जिस मुल्क से वो रूहानी पैगाम लाए थे वो हकीकतन जदीद भारत के पैगाम रसा थे।
उन्होंने भारत में मजहबी और समाजी असलाहत के लिए बहुत सब काम किए स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने मुख्तलिफ ममालिक ग्रीक, ग्रीस, तुर्की, मिस्र, चीन, ने जापान के सफ़र के दौरान मगरबी तहजीब ने मशरक़ी तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं का तजुर्बा हासिल किया। भारत की तहजीब के उम्दा अनासिर के साथ जोड़कर मगरबी तहजीब के उम्दा अनासिर को तस्लीम किया और भारत की तहजीब के साथ उनको जोड़ा और मशरक़ और मगरब को हम आहंग करने के लिए काबिल ज़िक्र कोशिश की। उसके बाद उस मुल्क में उन्होंने भारतीय तहजीब का फैलाव किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की तरफ मजहबी जज्बात ने खिदमाती समाज का फैलाव करने के लिए रामकृष्ण मिशन नामी एक तंजीम कायम की। ये बात आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन नामी एक तंजीम की बुनियाद डाली थी। उसके बाद है तालीमात। स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को उनके कदीम रूहानी विरसे को समझने में अपनाने में तालीम। उन्होंने लोगों को कहा, बदअकीदे तो हम जादू को कमज़ोरी की हालत मानते थे। उन्होंने लोगों को लाचारी और सुस्ती से आज़ाद होने को कहा, खुद एतमादी के साथ राह फरोग पर चलने की नसीहत दी। उन्होंने उस वक्त के राय समाजी बदिया बुराइयाँ ने मजहबी क्रियाकांड जो होते थे उसकी सख्त मुखालिफत की। उन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों को अपने मुल्क में लोगों की जहालत और गुर्बत दूर करने का इसरार किया। ओवरऑल बहुत सारे मजहबी असलाहत स्वामी विवेकानंद ने किए। वो साफ तौर पर मानते थे कि जिस मजहब या ईश्वर बेवा जो मजहब या ईश्वर बेवा के आंसू पोंछना सकता हो, आसरा हो या बेआसरा बच्चों के मुंह में रोटी का टुकड़ा ना रख सकता हो, उस मजहब या ईश्वर को मैं नहीं मानता। वो कहते थे कि पहले अनाज फिर मजहब, और इंसान में ही ईश्वर को देखते थे। उनके ख्याल के मुताबिक इंसानी खिदमत ही खालिक की खिदमत है और वो नौजवानों से कहते थे कि उठो जागो और हुसूल मकसद तक कोशिश करते रहो। उठो जागो और हुसूल मकसद तक, यानी कि हमारा गोल अचीव ना हो जाए, हमारा मकसद हमें हासिल ना हो जाए तब तक कोशिश करो। उनकी ज़बान में समझदारी, गहराई, तजुर्बात का निचोड़ और अल्फाज की ताजगी दिखाई देती थी। इस ज़बान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें हिंद की खालिक शख्सियत कहते हुए लिखा है कि अगर किसी को भारत को समझना हो तो उसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ना समझना चाहिए। इवन इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने भी लिखा है कि उनमें गौतम बुद्ध का रोल और शंकराचार्य के अक्ल फहम थी, नज वो जदीद भारत की खालिक थे। गांधी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनके नाम में ही तरगीब है। अमेरिका के सफ़र के बाद स्वामी विवेकानंद तूफ़ानी हिंदों के नाम से मशहूर हुए। याद रखना है, सवाल एक मार्क्स में आ सकता है। स्वामी विवेकानंद तूफ़ानी हिंद को हिंदू के तौर पर मशहूर हुए। मुख्तसर भारत की बेदारी नौ में विवेकानंद का अजीम अतिया शामिल है। रामकृष्ण मिशन की सरगर्मियों की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1898 में कायम की हुई रामकृष्ण मिशन तंजीम को मजहब फैलाव करने वाली तंजीम की बजाय खिदमती तंजीम को कहा। ये तंजीम खिदमत के ज़रिए असलाह की मिसाल को मानता था। कोलकाता के करीब बेलोर मठ का इनका सदर मरकज़ था। रामकृष्ण मिशन की मजहबी असलाह या समाजी असलाह सरगर्मियों में दिगर तंजीमों जैसा जोश नज़र नहीं आता। रामकृष्ण मिशन की जानिब से मुल्क भर में स्कूल, शिफा खाने, ने यतीम खाने शुरू किए गए। इसके अलावा सैलाब जलजला व वबा जैसी कुदरती आफात के वक्त मिशन के अराकीन बेफौत बेलौस खिदमत अंजाम देते थे। वो अपनी ज़िंदगी ईश्वर की इबादत ने इस अवामी खिदमत को अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते थे। दिगर अराकीन संसारी होते के जो संसार में ही रहकर मिशन की मिसाली ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी जीने और खिदमत खल्क की कोशिश करते। सो इस तरह से ये पूरा था कि रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की एक तंजीम की स्थापना की और उन्होंने लोगों को कहा कि उठो जागो उसूल मकसद तक कोशिश करते रहो। ये थी सारी रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद की स्टोरी। आइए अब हम नेक्स्ट जो है उनको समझते हैं जिनका नाम है महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 के रोज़ हुआ था। उनके वालिद डॉक्टर कृष्ण घोष उनको मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ बनाना चाहते थे।
उन्होंने बचपन से ही अरविंद का नाम एक्रॉइड घोष रखा था, क्योंकि उनकी चाहत थी कि मेरा बेटा अंग्रेज़ बने। 5 साल की उम्र से ही यूरोपीय इखलाक की तालीम लेने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, लेकिन वो मगरबी ख्यालात की बजाय देशभक्ति के रंग में रंग गए। महर्षि अरविंद जो थे वो उन्हें अंग्रेज़ बनना पसंद नहीं था, वो तो मगरबी ख्यालात की बजाय अपने देश के मिट्टी के रंग में रंग गए। माधिर वक्त वतन की भक्ति के बीच अरविंद के रूह में सरजमीन इंग्लैंड पर ही बोए जा चुके थे। वो सरजमीन हिंद पर उनके बीजों का कल्ला फूटा। वो मादर वतन की सरजमीन को बेजान शय के तौर पर नहीं, लेकिन जानदार माँ के तौर पर मानते। उन्होंने मादर वतन के लिए एक मंत्र आम किया, वंदे मातरम। याद रखना है, वंदे मातरम। उन्होंने मादर वतन के कदमों में ही अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उनकी ज़िंदगी नौजवान के लिए बाबा से तरगीब बन गई थी। इन्होंने अपनी तालीम भले ही इंग्लैंड में हासिल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, और इसीलिए उन्होंने एक मंत्र आम किया था, वंदे मातरम। उनके काम, उनकी ज़बान, उनकी शख्सियत रूहानी नूर में मुनव्वर बन गए। उन्होंने हिंदी के रूह को बेदार करने के लिए वंदे मातरम नामी अखबार शुरू किया। इस अखबार ने हिंद के लोगों में कौमी जज्बे को बेदार करने में अहम रोल अदा किया। मुजफ्फरपुर बम धमाके में हिस्सा लेने वाले इनकलाबियों के लीडर का इल्ज़ाम लगाकर अंग्रेज़ी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता की जेल में, अलीपुर में जेल में डाल दिया। ये सवाल आपका सेक्शन सी में आता है कि महर्षि अरविंद को किस जेल में और क्यों डाला गया था। मुजफ्फरपुर बम धमाके में हिस्सा लेने के उन जो इनकलाबियों थे उनका लीडर का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था और उन्हें कोलकाता में जेल में डाला था, या उन्हें तन्हा कोठरी में रखा गया था जहां उन्हें कोई रूहानी एहसास हासिल हुए। नतीजतन उनकी रूहानी बीनाई खुली और उन्हें ईश्वर के दीदार हुए, और श्री अरविंद के लिए जेल जेल की बजाय योग आश्रम बन गई। वो जेल से आज़ाद हुए तो मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। वो ईश्वर को पाने वाले और ईश्वर पर मुकम्मल वक्फ होने वाले रूहानी शख्स बन गए थे। सबसे पहले चंद्रनगर और फिर वहाँ से वो पांडिचेरी गए। वहाँ तन्हाई में रहे और सख्त तप साधना की। नस्ल इंसानियत को रूहानियत बख्शने फ्रांस से आई श्री माता जी, जिनका असल नाम म्यूर फांसा, उनके माउन बनकर मरने तक पांडिचेरी आश्रम में रहे लगभग 40 साल तक। ये थी कुछ महर्षि अरविंद की स्टोरी, जो 15 अगस्त 1872 में पैदा हुए, जिनके वालिद उन्हें मुकम्मल अंग्रेज़ बनाना चाहते थे, लेकिन वतन की मिट्टी के रंग में वो रंग गए और उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक मंत्र दिया, उसी नाम का अखबार शाई किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर बम धमाके में उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहाँ से उनकी जो लाइफ जर्नी थी वो टोटल चेंज हो गई। वहाँ पर उन्हें अलग अलग रूहानियत का एहसास हुआ और वो पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हुए, और जेल से आज़ाद होकर वो पांडिचेरी गए और मरते दम तक वो वहीं पर रहे। ये थी महर्षि अरविंद की स्टोरी। नेक्स्ट इन्हीं की तरह एक है नारायण गुरु। नारायण गुरु के बारे में समझ लेते हैं। पसमानदा ज़ात और मज़लूम ज़ात के फ़रोग के लिए ताहयात खिदमत करने वाले, इन्हें इंसानियत और इंसानी मसावियत का पैगाम देने वाले नारायण गुरु का जन्म केरल के एम्पिगर गाँव में सन 1856 में हुआ था। माँ बाप के पाकिज़ और मिसाली इखलाक़ी नारायण गुरु को विरसे में हासिल हुए थे। नारायण गुरु ने लोगों को एक ही ज़ात और एक ही मज़हब और एक ही ईश्वर में मानने की तालीम दी। उन्होंने लोगों को ऊंच नीच के फ़र्क, ज़ात पात वगैरह को ख़त्म करने का इसरार किया था। नारायण गुरु बचपन से ही रूहानी सरगर्मियों वाले थे। घर छोड़कर सख्त रियाज करके समाज के निचले तबकों के लिए खिदमत की। उन्होंने तमाम लोगों को तालीम एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया। तालीम निस्वा के लिए वो हमेशा बीदार रहे। उन्होंने समाज में से बुराइयां दूर करने के लिए, अछूतों को तालीम देने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामी एक तंजीम की बुनियाद डाली। उन्होंने निजात के लिए तालीम, यकसानियत के लिए तंजीम और गुरबत का खात्मा, ने इक्तिसादी तरक्की के लिए सनतों को भी तरक्की दी। ऐसा ज़रूरी भी वो मानते थे और इसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की। उन्होंने बैन अल-अक़वामी भाईचारे की तबलीग की। वो मुल्क और बैरूनी मुल्क में रूहानी मसलह के नाम से मशहूर हुए। रविंद्रनाथ टैगोर नारायण गुरु को अपने वक्त के अजीम सूफ़ी संत और मसलह मानते थे। तो ये थी छोटी सी स्टोरी नारायण गुरु की।
तो आज के सेशन में हम यही तक समझेंगे, हमने रामकृष्ण मिश ने स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और नारायण गुरु के मुतालिक पढ़ा। आगे भी एक है जिसका नाम है कुंदुकोरी वेरलिसलिंगम, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही है, इसको समझिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।